बात अब राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयास में आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से एक्टिव है। इसी कड़ी में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वजीरपुर हॉटस्पॉट पहुंचे और जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण की जांच में ड्रोन मैपिंग प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता रिया राय। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है, इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद हैं, जो कि वजीरपुर का जो हॉटस्पॉट है यहाँ पर ड्रोन मैपिंग का निरीक्षण कर रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि आसमान से भी इस बार प्रदूषण पर नजर रखी जा सकेगी, जिससे कि दिल्ली में प्रदूषण का ग्राफ कितना है उसका आंकड़ा पहले ही पता चल पाए और उस पर लगाम कैसे लगानी है इस पर भी कार्य किया जा सके। इस समय ये हॉटस्पॉट है वजीरपुर, जहां पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि किसी भी प्रकार की जो आप कह सकते हैं कि कमी वो नहीं महसूस होने दी जाएगी, ताकि दिल्ली की जनता को प्रदूषण से राहत मिले। अभी भी आप देख सकते हैं कि गोपाल राय पूरी तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं और जो ड्रोन उड़ाया गया है वो वजीरपुर के पूरे हॉटस्पॉट में इस बात का निरीक्षण कर रहा है कि आखिर इन हवाओं में प्रदूषण का ग्राफ या प्रदूषण का स्तर किस तरह से है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस बात का इशारा पहले ही कर दिया था कि इस बार विंटर एक्शन प्लान को काफी तेजी के साथ चलाया जा रहा है, ताकि जिस तरह का हाल हर वर्ष दिल्ली की जनता का होता है प्रदूषण को लेकर, वो इस बार ना हो। और इसमें सिर्फ गोपाल राय नहीं बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी में आतिशी मार लेना, जो कि सीएम है, उसी के साथ में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल, सभी की तरफ से सख्ती बढ़ती जा रही है, ताकि दिल्ली की जो जनता है उसको इस बार प्रदूषण से सहूलियत मिल पाए। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी दिल्ली।